हेलो एवरीबॉडी, वेलकम करते हैं जी आपको एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो जी अभी उठाऊँ तो मेरे ना यार ये पेट में जो है ना काफ़ी दर्द हो रही है, क्योंकि कल से मैंने वॉक स्टार्ट की हुई है तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो बहुत पेन हो रही है। तो वॉक करते हैं ना तो बेली में काफ़ी पेन हो रही है। तो गुड मॉर्निंग हो गया, वेलकम करते हैं आपको एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो जल्दी से मेरे चैनल पर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो चलते हैं फिर, नहाते हैं, पहले रेडी होते हैं तो रेडी होकर फिर अगली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। आज भी जो है ना मैंने बैंक में जाना है तो कुछ मुझे पैसों की ज़रूरत है तो वो निकलवाते हैं जाके। तो आजकल भाई बिजी हूँ, काम बहुत है तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है, वरना फनी वीडियो जो आजकल मेरी नहीं आ रही ना तो इसी वजह से नहीं आ रही, क्योंकि आजकल टाइम बिल्कुल शॉर्ट है तो इस वजह से मेरी ना फनी वीडियो भी आजकल नहीं बना रहा। लेकिन सोच रहा हूँ कि आजकल जो सर्दियाँ हैं, मौसम अच्छा है तो वो भी ना अपना सीन स्टार्ट कर दूँ। तो इंशाल्लाह इस फ्राइडे को जो है ना कुछ सीन बनाते हैं कि दोस्तों को बोलते हैं भाई हम फिर जो है ना अपनी वीडियो का आगाज़ करें और फनी वीडियो शूट करें। टिफ़िन है सामने, ये कल का इधर ही लटका हुआ है, इसको भी दे दें ताकि ये धुल जाए तो फिर जो है ना दोपहर को इसमें खाना भी जाना है। धुलेगा तो खाना जाएगा ना, इसको देते हैं ताकि ये भी साथ धुल जाए और फिर जो है ना दोपहर को खाना लेके जाएंगे। आ चुका जी मेरे पास अमूली वाला पराठा है और साथ में जी चाय है। तो होगा आज हैवी सा नाश्ता, तो अभी नाश्ता करते हैं और चलते हैं फिर इंशाल्लाह अपने काम काज की तरफ। हम पहुंच चुके हैं जी अभी अपने घर, माशाल्लाह आज लेट हो गया हूँ। आओ जनाब, की हाल चाल है? सलाम है, की हाल है? ठीक है, तेरे को काल दिया आज चढ़िया नहीं? बहुत ढिला बनना है यार तू। अब ये वाली एक ट्राली ईंटों की थी तो माशाल्लाह ये इधर फेंक रहा है ये वाला बंदा और फिर मशीन के साथ ऊपर जा रही है और ऊपर का काम अल्हम्दुलिल्लाह इतना कंप्लीट हुआ है और बाकी आज ऊपर जाके जो है ना ऊपर जाके चेक करते हैं आज कितना कितना जो है ना काम हुआ है। हाँ उस्ताद मोहतरम, की हाल चाल है? तू बोल रहे नहीं, शेर ही नहीं चुकता पे। अच्छा जी अभी चलते हैं जी जाके ऊपर का इंतजाम देखते हैं। बाकी कल बिजली वाले आए थे वो अपना ये वाला काम जो है ना ये कंप्लीट कर गए हैं। कुछ ये पाइप जो है ना ये ऊंचा था तो जरी इन्होंने थोड़ी सी जो है नीचे की है तो बाकी ये वाला काम जो है ना करके चले गए। तो मेरे ना एक पोर्शन का ना एक थोड़ा सा मसला हो गया था, वो आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं यार, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो ना तो शेयर करना चाहिए ना आपके साथ भी छोटी छोटी चीज़ें। तो ये जो है ना मोटर का हमने बोर पहले ही करवा लिया था तो ये देखें ना दरमियान में है ये वाला पाइप, तो ये बहुत ना बुरा लग रहा है। तो पहले हमने सोचा था कि ये बोर हम नहीं करवाते, इसको एडजस्ट कर लेंगे तो फिर ये जो पाइप है ना यहाँ पे मोटर लगेगी, मोटर हमने सोचा था इस पिलर के साथ लगाएंगे। तो लेकिन ये है ना कि अगर ये पिलर के साथ लगाते हैं तो फिर ये पाइप दरमियान में आता है तो फिर डिस्टर्ब बंदा होता है ना, तो फिर ये गैलरी का तो मकसद ही नहीं ना रहा, जिधर कपड़े वगैरह वाश करने हों तो फिर बंदा डिस्टर्ब होता है। तो फिर हमने बिजली वाले से कल मशवरा किया तो उसको हमने बोला कि ये जो है ना पाइप इसको काट के और ये अंडरग्राउंड करके ना हम ये सामने वाली दीवार के साथ जो है ना लगा दें ताकि हमें कल को ना कोई मसला ना पेश आए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना ये बंदा अभी से करवा ले तो बेहतर है, फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो बाकी इधर वाशरूम है सामने ये वाला, तो इसके साथ ही जो है ये वाली लगी हुई है मोटर, तो मोटर जो है ना यहाँ से पाइप अंडरग्राउंड करवाएँगे और फिर इस दीवार के साथ लगाएंगे। तो मसला एक नहीं मसला दो हो चुके हैं। तो हमने जो है मोटर का बोर्ड भी इस दीवार के साथ लगवा लिया था ये वाला, तो ये भी अब जो है ना यहाँ से झरी लगेगी और इसी पाइप के साथ जो है ना नीचे तार आएगी और इसी पाइप के साथ दूसरा जो है ना तार वाला पाइप भी आके इधर बोर्ड लग जाएगा। तो एक तो हो गया ना ये मसला, तो इसका हल हमने कल निकाल लिया था तो बिजली वाला कह रहा था कि ये हो जाएगा, मसले वाली बात नहीं है, ये हम कर देंगे। तो इंशाल्लाह ये भी जो है ना सुबह नहीं बल्कि एक या दो दिन में जैसे ही टाइम मिलेगा जिस तरह वो बोर वाला आएगा ना उसको उसकी सेटिंग करने तो वो भी इंशाल्लाह कर जाएगा सेटवेयर जो है ना अपना। तो बाकी ये देखें ऊपर ग्लोब की जो है ये भी तारें तूरें जो है ना डाल के चला गया और उधर से भी डाल दी हैं, तो अभी दूसरे घर की देखते हैं तारें वगैरह डाली हैं कि नहीं डाली, बल्कि ये वाली तारें तूरें जो है ना डाल दी हैं इन्होंने। तो अभी ऊपर का जाके निज़ाम चेक करते हैं ऊपर वाला काम जो है ना वो कितना कंप्लीट किया है मिस्त्री ने। आज बारी है मेरी दूध लाने की, तो चलते हैं जी आज दूध लाते हैं और आपको जो है ना बाहर का सुबह सुबह का नज़ारा दिखाते हैं। आज बड़ा मजे का सीन होगा, अगर तो इन्हें हल्की हल्की सी फोग फिर तो आने वाला है बड़ा मजा। अब मुझे ना आगे से कोई चीज नजर नहीं आ रही, आज जो है ना धुंध काफी पड़ गई है, ये है असल फोग, चेक करें।
ओए होए 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 नज़ारे नज़ारे भाई साहब, ऐसे मौसम में जो है ना ड्राइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई चीज़ नज़र नहीं आती ना आगे से, अब बाइक आ रही मुझे नज़र नहीं आ रहा। सामने से जो है ना सूरज निकल रहा है, लेकिन इस तरह जो है ना इसका नज़ारा देखेंगे, जैसे जैसे सूरज ज़्यादा निकलेगा ना ये फोग ज़्यादा फैलेगी। और ये मैं आ चुका हूँ भैंसों के पास, तो दूध लेने आ गया हूँ। इतनी ठंड है यार, आज तो तबीयत सेट हो गई आपके भाई की। तो ये देखें इधर गाय भैंसे जो है बांधी हुई हैं, तो इनका जो है लेते हैं दूध। ये देखें छोटा सा जो है ना बच्चा इसका दूध पी रहा है, ये इसका दूध है ना दूध निकाल लिया, तो अब जो बचता है पीछे ये छोटा बच्चा जो है ना ये फिर पी जाता है। ये छोटा सा बड़ा प्यारा लग रहा है, ये देखें कितना क्यूट सा है यार छोटू सा। तो ये था जी हमारा आज का एक छोटा सा ब्लॉग, आई होप को आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आपकी खातर जो है ना मैंने ये अपनी चादर जो है ना यहाँ पे रखी हुई है व्लॉग बनाने के लिए, तो अभी भी आप सब्सक्राइब ना करो तो फिर मज़ा तो नहीं ना आया। जल्दी से जो है सब्सक्राइब करो और जो है ना लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। मिलेंगे हम अपनी एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन ये नज़ारा जो है ना यार ये बड़ा खूबसूरत है यार।